Hello students, so this is the new chapter we are starting, and in this chapter we are going to learn about the public finance in India. Everyone knows the government deals with the money, government receives the money, government earns the revenue and spend in the people. So in this video we are going to learn about how government deals with the money, how government receives the money and how government spends the money among the people for the welfare of the society. So this chapter contains many knowledge. It brings various light on the in the economics field, and it brings lots of knowledge to the students. So students, this chapter don't only learn just for the exams, but also this is practically very important for the knowledge also. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. आइए हम आगे जाते हैं. देखिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि पब्लिक फाइनेंस अभी से नहीं, ये बहुत पुराना और बहुत ओल्ड है. हमने पहले से देखते आया कि गवर्नमेंट का रोल किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके लिए ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट एक देश के लिए, एक देश को चलाने में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. गवर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. गवर्नमेंट होता क्या है? हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो अपने ऊपर एक अथॉरिटी को चॉइस करते हैं, एक अथॉरिटी को चूज़ करते हैं कि वो कंट्री को चलाए, और कंट्री के जो लॉ एंड ऑर्डर है, कंट्री का जो सोशल सिक्योरिटी है उसको संभाला जाए. कंट्री का डेवलपमेंट तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन सबसे पहले कंट्री में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, क्या पॉलिसीज बनाती है, इस पर कंट्री का डेवलपमेंट बहुत डिपेंड करता है. इसी बेसिस पे आज हम पब्लिक फाइनेंस पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फंड्स से रिलेटेड, फंड्स को लेके क्या डिसीजंस लेती है, फंड्स कहाँ से लेकर आती है. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट के सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या है, और गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को स्पेंड कहाँ पे करती है और कैसे करती है, और अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से कम है तो गवर्नमेंट क्या करती, गवर्नमेंट लोन लेती है, और गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी फॉलो करना पड़ता है. ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में. काफ़ी नॉलेज कंटेन करता है चैप्टर, तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिए. देखिए क्या लिखा है. पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच हाईलाइट्स द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी. तो देखिए क्या लिखा है. पब्लिक फाइनेंस सबसे बहुत पुराना ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, और क्या कहता है, इट विच हाईलाइट्स द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी. तो गवर्नमेंट का रोल एंड फंक्शन इकोनॉमी में क्या है वो एक्सप्लेन करता है. और हम सबको पता है कि गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो. देखो यहाँ पे क्या लिखा है. गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल इन द स्पेसिफिक रीजन टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस लाइक सिक्योरिटी, लाइक डिफेंस, लाइक लॉ एंड ऑर्डर. तो कंट्री का सुरक्षा करने के लिए लोगों का बनाया हुआ एक टेरिटरी, एक ग्रुप जो है, एक एसोसिएशन है जो कंट्री को चलाने के लिए, रूल करने के लिए, कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और दूसरे देशों से के अटैक से हमें बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है. हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो देश को चलाता है, और गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है पब्लिक. गवर्नमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेंटेन करता है, जैसे कि एक्सटर्नल अटैक से बचाता है, मतलब डिफेंस, और प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल. तो अगर आपने प्रॉपर्टी लिया तो हमें डर रहता है कि इस प्रॉपर्टी को कोई हथियार ना ले, छीन ना ले पावर को इस्तेमाल करके. इसीलिए गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर होना ज़रूरी है. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, प्रोविजन ऑफ सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ.
तो गरीबों के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ का प्रोविजन करके रखती है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ये पैसे कहाँ से लाती है, इस पैसे को इस्तेमाल कैसे करती है, और पब्लिक फाइनेंस में क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में। देखिए, गवर्नमेंट का जो फाइनेंस से रिलेटेड दो काम है, गवर्नमेंट के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट दो काम करती है, एक है ऑब्लिगेटरी फंक्शन और एक है ऑप्शनल फंक्शन। ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि कुछ काम जो गवर्नमेंट को है कंपलसरी करना ही पड़ता है और जिसके लिए गवर्नमेंट बनाई गई है, और कुछ काम गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि देश को उन्नति करने के लिए ये काम गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। ऑब्लिगेटरी फंक्शन गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कंपलसरी है, ऑब्लिगेशंस मतलब कंपलसरी, और ऑप्शनल मतलब ये गवर्नमेंट नहीं भी करेगी तो भी चलेगा, लेकिन देश की उन्नति के लिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ये गवर्नमेंट को ऑप्शनल फंक्शन भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन क्या है, कंपलसरी फंक्शन को हम देखें तो जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एक्सटर्नल अटैक डिफेंस से बचाना है हमें, और ये सारे ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। जैसे कि ये हमने देखा, ये ऑब्लिगेटरी है, ये कंपलसरी गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, डिफेंस से बचाना हमें, दूसरी कंट्री से बचाना, एक्सटर्नल अटैक। ऑप्शनल फंक्शन मतलब ये गवर्नमेंट नहीं भी करेगी तो भी चलेगा, लेकिन कंट्री को अगर प्रोग्रेस करना है, ग्रोथ करना है, तो ये भी काम गवर्नमेंट को करना पड़ सकता है, जैसे कि एजुकेशन, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन देना और भी वेलफेयर मेजर्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना। ये सारी चीजें गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि देश का डिमांड है, लोगों का डिमांड है कि लोग, बहुत सारे लोग बेरोजगार है तो वो लोग भूखे मरे ना, इसीलिए गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है लोगों को। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ये कहीं कहीं की गवर्नमेंट करती भी है, कहीं कहीं की नहीं करती, लेकिन हर जगह की गवर्नमेंट जो है, हर कंट्री की गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को जरूर मेंटेन करती है, डिफेंस को जरूर एक्सपेंड करती है पैसे। ओके, तो स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल्स कराना, ये सारे ऑप्शनल है, लेकिन डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी फंक्शंस है। आइए हम देखते हैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब हम पब्लिक फाइनेंस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट को कंट्री में काम करने के लिए, कंट्री में बहुत सारे काम है, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के कितने सारे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस और ऑप्शनल फंक्शंस गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कि रोड्स बनाना, रेलवेज बनाना, हाईवेज बनाना, डैम्स बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये सारे काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, कोविड-19 में इतने सारे हॉस्पिटल्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट को कितना खर्चा करना पड़ता है, तो ये गवर्नमेंट ये स्पेंड कहाँ से करती है पैसे। गवर्नमेंट के भी रेवेन्यूज होते हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं, फीस पे करते हैं, फाइन्स पे करते हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के रेवेन्यू हैं। इस रेवेन्यू में से गवर्नमेंट कुछ पैसे स्पेंड करती है, और अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम पड़ जाए तो गवर्नमेंट लोन भी लेती है, लेकिन स्पेंडिंग्स को करना बहुत ज़रूरी है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो पब्लिक फाइनेंस, ये जो टर्म है, ये दो वर्ड से आता है, पब्लिक और फाइनेंस। पब्लिक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, पब्लिक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर गवर्नमेंट, पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, और फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंस डील्स विथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इसको अगर हम मिला दे तो पता चलेगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। देखिए क्या लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पब्लिक एंड फाइनेंस। पब्लिक मीन्स अ कलेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स लिविंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, और फाइनेंस का मतलब इट डील्स विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। तो हमने देखा, जो गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, और तीनों लेवल पे ये गवर्नमेंट कुछ पैसे कमाती है और उस पैसों पे लोगों के लिए स्पेंड करती है पैसे। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब आपको समझ गया होगा, क्योंकि मीनिंग आपको हर जगह पे लिखना है। हम एक डेफिनेशन भी करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू हैग डेल्टन इकोनॉमिस्ट हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। हग डेल्टन क्या कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज, एंड विद एडजस्टमेंट ऑफ विथ वन अनदर। तो देखिए क्या लिखा है, सिंपल सा, इट इज कंसर्न विद द
It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one with other. तो सिंपल सा डेफिनेशन है, याद रखिए, या फिर एक सिंपल सा ये फिंडले श्रीरास का भी है कि पब्लिक फाइनेंस इज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज. तो गवर्नमेंट जो है फंड्स को रेज कैसे करती है, किस तरीके से करती है और कहां से लाती है और उस पैसे को स्पेंड कहां पे करती है, ये सारी बातें हम पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं. आइए हम डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस देखें. पब्लिक फाइनेंस मतलब फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, और प्राइवेट मतलब प्राइवेट, किसी इंडिविजुअल या फिर सोल प्रोप्राइटर या फिर बिजनेस ने फाइनेंस किया. फर्क है दोनों के फाइनेंस में. पब्लिक फाइनेंस मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के लिए, सोसाइटी के लिए है. तो पब्लिक फाइनेंस जो है वो सोसाइटी के लिए है, वो किसी एक के इंटरेस्ट के लिए नहीं है. लेकिन प्राइवेट फाइनेंस जो है वो प्राइवेट पर्पस, खुद के पर्पस के लिए, इट इज फॉर द फुलफिल द प्राइवेट इंटरेस्ट. सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. अच्छा, एक्सपेंडिचर कैसे, लाइक हम लोग अपना एक्सपेंडिचर जो है, हम लोग जो पैसे खर्च करते हैं वो हम अपनी जेब को देखकर खर्च करते हैं, हम अपने इनकम को देखकर करते हैं. लेकिन गवर्नमेंट कभी भी अपने इनकम को देखकर खर्चा नहीं करती, लोगों की डिमांड्स जो है उसको फुलफिल करने के लिए अगर हमारे पास रेवेन्यू होगा तो हम स्पेंड करेंगे, नहीं होगा तो हम लोन लेंगे, लेकिन फिर भी स्पेंडिंग्स करेंगे. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइंस द वॉल्यूम. मतलब गवर्नमेंट सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि कितना हमारे पास रेवेन्यू है और डिफरेंट वे ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर, तो उसका खर्चा करना कहाँ कहाँ, लाइक हर साल बजट बनता है तो बजट में कहाँ कितने कितने पैसे खर्च करने हैं वो सारी बातें गवर्नमेंट डिसाइड करती है. बट इंडिविजुअल जो है सबसे पहले अपना इनकम देखता है, बाद में वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर देखता है. तो गवर्नमेंट खर्चा सबसे पहले देख लेता है, इनकम हो या ना हो लोन ले लेंगे. लेकिन एक प्राइवेट पीपल जो है, हम लोग जैसे लोग, पहले अपना इनकम देखते हैं, बाद में अपना एक्सपेंडिचर का वॉल्यूम डिसाइड करते हैं, साइज डिसाइड करते हैं. क्रेडिट स्टेटस, अब आपको क्या लगता है क्रेडिट स्टेटस किसका ज्यादा होगा, गवर्नमेंट का या प्राइवेट का? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का, हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इज द इन द मार्केट, और प्राइवेट में वेरी लो, लिमिटेड. अच्छा, प्रिंट कौन कर सकता है करेंसी, गवर्नमेंट या प्राइवेट? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट, आरबीआई का अथॉरिटी है. द गवर्नमेंट कैन प्रिंट द करेंसी थ्रू आरबीआई, बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स डू नॉट एंजॉय सच राइट्स. इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की इलास्टिसिटी, कहीं से कम पड़ जाए तो ज्यादा ले लेना, ये सारी चीजें पब्लिक को है, प्राइवेट को ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. और पब्लिक फाइनेंस का जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव है, इससे कंट्री का ग्रोथ होता है. और प्राइवेट फाइनेंस का भी है लेकिन मार्जिनल इफेक्ट है, थोड़ा सा ही इफेक्ट है. अब हम देखेंगे कॉम्पोनेंट्स एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस. ये देखिए, ये चैप्टर में यही चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है. अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस किया. अब ये स्ट्रक्चर हमें डिटेल में पढ़ना है, पब्लिक फाइनेंस जो है वो डिटेल में है क्या. हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि पब्लिक, इट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू एंड एडजस्टमेंट विथ वन अनदर. मतलब अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में कुछ डिफरेंस आया तो लोन लेना पड़ेगा, और इनको चलाने के लिए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो फिस्कल पॉलिसी है, और इनको देख रेख कौन करता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे. तो आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर. इस वीडियो में इतना ही.